जैसा कि हम सब जानते हैं, सरदार पटेल का अमूल से गहरा रिश्ता है। प्राइवेट डेयरी के अन्याय के खिलाफ किसानों के संघर्ष को सरदार पटेल की प्रेरणा और कर्मठ सहकारी नेता त्रिभुवनदास पटेल ने एक बहुत अच्छे तरीके से इसको सकारात्मक सोच की ओर मोड़ने का काम किया। ये उदाहरण न केवल सहकारिता के लिए अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है, परंतु समाज जीवन में लोगों के प्रश्नों को वाचा देने के लिए आंदोलन करने वाले समाज सेवियों के लिए भी बहुत बड़ा उदाहरण है। जो आंदोलन होते हैं वो समस्या का समाधान करने के लिए होते हैं, समस्या को बढ़ाने के लिए नहीं होते। आणंद जिले में, खेड़ा जिले में जो किसानों का शोषण होता था, इसके खिलाफ आंदोलन करा, असहकार का आंदोलन करा और इसको इस प्रकार से एक आंदोलन में परिवर्तित किया कि जिसमें से जो बीज बोया गया था आज वटवृक्ष बनकर 36 लाख परिवारों की रोजगारी का जरिया बना। आंदोलन से शोषण तो रुका ही, परंतु एक रचनात्मक अभिगम लेकर आंदोलन को मोड़ने की जो कुनेह सरदार साहब और विशेषकर त्रिभुवनदास पटेल में थी, इसके कारण आज ये वटवृक्ष हमारे सामने खड़ा है। मित्रों, मैं स्वर्गीय त्रिभुवनदास जी से लेकर, सरदार साहब की प्रेरणा से लेकर, आज छोटे से छोटे गांव में चाहे एक गाय और एक भैंस रखकर अमूल में अपना दूध देने वाली गरीब से गरीब महिला तक सबने एक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है और 75 साल में पूरे विश्व में अमूल की ब्रांड को बनाया है, इसको प्रणाम करकर मैं उसका अनुमोदन करता हूं। एक ऐसा उदाहरण है कि छोटे छोटे लोग अगर एकत्रित आते हो और अपनी क्षमता का योग बनाते हैं तो कितनी बड़ी ताकत की निर्मिति हो सकती है। और यही सरकारिता का मूल मंत्र है। हम छोटे हो सकते हैं मगर संख्या में बहुत बड़े। अगर छोटे लोगों की बड़ी संख्या एकजुट हो जाए और एक दिशा में चल पड़े तो बड़ी से बड़ी ताकत की निर्मिति हो सकती है। उसी को सहकारिता का कंसेप्ट कहते हैं, उसी को सहकारिता।